समस्त बालाघाट जिले के जिलेवासियों से मेरा अपील है कि जिस प्रकार से इस भयंकर महामारी कोरोना ने पूरे विश्व में आक्रमण किया है, उस आक्रमण को दूर करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की समस्त जनता के लिए जिस प्रकार से आह्वान किए हैं कि हम सबको एक दूसरे से दूरियां बना के इस लड़ाई को जीतना है, इस लड़ाई को लड़ना है, और इस लड़ाई लड़ने में हर उस व्यक्ति का योगदान होना चाहिए जिसमें हम अपने देश को बचा सकें, और इस लड़ाई में हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, संयम बरतने की आवश्यकता है, और हम सब लोगों को संयम बरतना है। हम बालाघाट जिले की बात करें तो आज बालाघाट जिले में संपूर्ण, चाहे प्रशासनिक स्तर से हो, चाहे समाज सेवी स्तर से हो, सबने अपना अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग भी एक दूसरे से परस्पर अपने क्षेत्र के, अपने जिले के समस्त ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार से आवश्यकता, हम चर्चा है, हम 24 घंटे उनसे संपर्क में हैं। मैं सभी लोगों से, ऐसे व्यापारी बंधु हैं, ऐसे समाज सेवी बंधु हैं, उन सबसे भी अपील कर रहा हूँ कि इस घड़ी में हम सब लोगों को मानवता का परिचय देना चाहिए, मानवता का वो परिचय देना चाहिए जिसमें मानव एक दूसरे के लिए काम आ सके। जिसके पास अगर खाने की व्यवस्था नहीं है, हम सब लोग भी, प्रशासन भी पैकेट की व्यवस्था करा रहा, हमारा कार्यकर्ता भी व्यवस्था करा रहा, हम सब लोगों ने भी व्यवस्था करवा ही रहे हैं। चूँकि मैं हर उस व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जो समाज के लिए काम करना चाहता है, स्वाभाविक मन से काम करना चाहता है, वो सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन अपनी दूरियाँ मेंटेन करके सोशल डिस्टेंस जिस प्रकार से मोदी जी ने आह्वान किए हैं, माननीय प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सबके लिए आह्वान किए, अभी तो 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किए हैं, और लगातार इस प्रदेश के लिए, इस बीमारी के लिए लड़ने के लिए सबको आह्वान किए हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं, हमारे चाहे वो पेंशन का मामला हो, उस परिवार को पेंशन देने के लिए 2-2 महीने के एडवांस पेंशन, और जितनी योजना का लाभ दे सके, जिनको पब्लिकों को, हमारे जनता को दे सके, वो सारा चीज़ करने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जितना भंडारण खोलना था वो खोलने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है, शासन लड़ेगा, शासन लड़ेगा, लेकिन जब तक कि जनता इसमें अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, हम इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमारे को दिक्कतें आएगी। लेकिन आज हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हमारी जनता जनार्दन स्वीकार कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, इस लड़ाई में अपना योगदान दें, अपने रिश्ते नातेदारों को भी कभी मदद करें। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे सामने अभी ध्यान में आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से घूमने का काम करते हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे लॉकडाउन में, 21 दिन का लॉकडाउन है, हम यदि 21 दिन का इस लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं समाज को मदद करने का भी काम कर रहे हैं। ये भी एक मदद ही है कि हम घर से बाहर ना निकले, जहाँ जिस प्रकार से आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से हमारे को शासन प्रशासन ने नंबर दिया, उससे हम लाभ ले सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, और ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। हम समाज से भी, भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता वो मास्क भी वितरण कर सकता है, वो हैंड वॉश की आवश्यकता है, हैंड वॉश भी दे सकता है। ऐसे जिस प्रकार से जो अपने स्तर से मदद कर सकता है वो सब मदद करे। आज इस बीमारी से हम सब लोगों को लड़ने की आवश्यकता है, और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ऐसा संकल्प के साथ हम काम करना चाहते हैं। एक बार मैं सभी जिलेवासी से यही अपेक्षा करता हूँ कि आज संयम बरतने की आवश्यकता है, और इससे हिम्मत से लड़ने की आवश्यकता, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।